जिंदगी के सफर में जब आप कोई काम करने का इरादा करते हो कि मुझे ये करना है, इस फील्ड में जाना है और ये करना है, हर इंसान के अंदर रब ने एक राज रखा हुआ है। सबके कॉन्टेंट एक ही तो कहीं भी पैदा हुआ है, वो राज है क्या? आप उस राज को अपनी आज के हवाले से एक स्किल का नाम दे रहे, आपको उस राज को खुद अपने अंदर डिस्कवर करना है कि मेरे रब ने जमीन पे मुझे सिर्फ आटा खाने भेजा है कि किस काम के लिए मैं जमीन पे भेजा जा रहा हूँ। आप अपनी उस स्किल को पहले तो अपने अंदर डिस्कवर करें। आपकी स्किल, आप अपने जज खुद हो सबसे बेहतर, दूसरा कोई नहीं है। आप उस स्किल को डिस्कवर करके अपनी जिंदगी का सिनेरियो बनाइए और फिर निकलिए अपने उस टारगेट पे। जो फर्द अपनी स्किल डिस्कवर कर लेता है वो फिर भटकता नहीं है, वो अपने टारगेट बना के सूनर और लेटर अल्टीमेटली वो पहुंचता है उस पर। मुआवकत बॉर्डर नहीं करता, सराउंडिंग में सिक्योरिटी बॉर्डर नहीं, वो इरादा लेकर कहता है कि मुझे ये करना है और अल्टीमेटली वो एक दिन करके दिखा देता है। ये तो ऐसी बातें सिर्फ वर्षीय तस्करत की बातें हैं उस्ताद हुसैन दुल्लू साहब की तरह। बेसिकली आई एम ब्रॉडकास्टर, लेकिन दुनिया मुझे स्क्रीन के हवाले से ज्यादा शनाख्त करती है, फिल्म और टेलीविजन के हवाले से। मेरा आगाज रेडियो पाकिस्तान लाहौर से हुआ, नाउ आई एम 70+। ये मार्च से 62 वर्ष पहले की बात करने लगा हूँ। रेडियो पाकिस्तान लाहौर आप सबका किसी न किसी शक्ल में वहां जाना होता होगा। ये जो रेडियो पाकिस्तान जहां आपका जाना होता है, इसका इंतजाम 1965 में अयूब खान साहब ने किया था, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। गवर्नर हाउस की बैक पे एक छोटा सा रेडियो पाकिस्तान लाहौर हुआ करता था। मैं और इरफान खुर्शीद, हम दोनों निकर पहना करते थे। वो मुझसे 2 घंटे बड़ा हो गया, मैं उससे 2 घंटे बड़ा हो गया, हम दोनों हम उम्र हैं। वहां से हमारा आगाज हुआ। ये वो दौर था जब सुफी तबस्सुम, मिर्जा अदीब, नासिर काजमी, जिसके आप सब बच्चों को गजलें भी याद है, उनके शार भी याद है, हमने जिंदगी में उनकी एफिलेशन में काम किया है। तवातर से ये सफर चलता रहा। उम्र के साथ साथ हम अपने उसी शोबे में अनाउंसर भी हो गए, कंपेयर भी हो गए, ड्रामे में अप्रूव हुआ था, वो मेरा शोबा था, वो मैं कर ही रहा। मुझे जिंदगी में मौसीकी के हवाले से, आज जो ये मैं लफ्जों का हुनर आपको ड्रामे में यह मुसरिफ करता दिख चुका है, ये लयकारी नहीं है। ड्रामा भी एक लयकारी है जो आउट ऑफ बीट होते हैं, उनको कहते हैं यार ये क्या कर रहा है। रागदारी है ये भी ड्रामा, और ये मैंने इन लोगों से सीखा है। लफ्जों की हुरमत से मुझे उन बुजुर्गों से आशनाई मिली और इनको सुना। मैं इनसे इस कदर एफिनिटी, इस कदर एक लाडला था कि जिस दिन मैं इनको रेडियो स्टेशन पर नहीं देखा तो पूछते थे राजनीति क्या है, नजर नहीं आ रहा। तो फिर मैं इनके पास रोज बैठता था और रोज मेरी ग्रूमिंग में मुझे कोई नया से नया जस्टिस मिलता था, जो उसके बाद लगातार मेरी जिंदगी में मेरे काम आ रहा है। जिस घराने का रफाकत ने तस्करा किया शाम चौरासी, ये सब कॉन्टिनेंट में मौसीकी के हवाले से एक बहुत बड़ा घराना है, जिसको जब भी मौसीकी की सब कॉन्टिनेंट की बात होगी तो ये सबसे ऊपर होगा। जैसे रफाकत ने बताया कि हुसैन बख्श खान साहब पटियाला घराने से भी है, लेकिन उन्होंने शाम चौरासी घराने को इस कदर डिवोशन से उसके उसमें खान वादे से इकतसाब फैज हासिल किया कि वही उस्ताद घराना उनके सामने बिठा के सुना करता था। जैसे होते हैं ना कि तुफैल मियारी साहब को ये जो अलहमरा ओपन और हमारा थिएटर, मुझे याद है बड़ी दहाइयों को 50 वर्ष पहले की बात होगी, मैंने इन बड़े फनकारों को जो लेजेंड्स हैं जिनका तारीख में हवाला, उनको ये कहते हुए खुद सुना कि तुफैल यारों वाला सुना फला,
तो इट मींस के आपकी आउटपुट आपका वो जो कंट्रीब्यूशन है वो कंसिडर होनी है, वही आपका क्रेडिट है, वही आपकी प्रोफाइल है। हुसैन बख्श बड़े इनोसेंट आदमी थे, दुनियादारी की जो तेजियां हैं जो आज जमीन पे लेट के भी आप गा लेते हो तो लोग सुन लेते हैं, टांगे ऊपर है गिटार नीचे है लेकिन लोग सुन रहे एंजॉय करे, ये वक्त की फ्लक्चुएशन होती होती है। लेकिन क्लासिकल मौसीकी जो है उसकी तालीम के बगैर अगर आप समझते हो कि मैं सिंगर हो जाऊंगा तो आप फॉर द टाइम बीइंग हो, एक आइटम आपकी हिट हो जाएगी, दो हो जाएगी, उसके बाद मरीज जिंदगी में 60 वर्ष में पता नहीं कितने कितने लोग हैं जिन्होंने ये ब्लास्ट किया आगे, उसके बाद पता नहीं वो कहाँ चले गए। इस मुल्क में शौकत अली का गाना गा के अमजद हुसैन को उससे पहले ब्रेडो को होम्स मिल गया था, उस मुल्क के पास ही है। यहाँ के स्कैनर जो है ना जो इन शोबों में मोस्टली 75 वर्ष में खरादिये रहे, वहां कॉम्पिटेंट लोग नहीं रहे, जिनका काम है वो हमेशा 75 वर्ष मिसकास्टिंग में रहे, लेकिन फैक्ट्स अपनी जगह मौजूद रहे थे। आप उसको नहीं मानते तो ना माने, हकीकत तो अपनी जगह मौजूद रहेगी। हुसैन बख्श गुल्लू से मेरी कई दिहाइयों से मैं तसद्दुक हुसैन इसी खानवादे में सलामत अली गंज के भाई थे, रेडियो पाकिस्तान में म्यूजिक के इंचार्ज हुआ करते थे, ये शुकूर फैजल साहब के जमाने की बात है। एक प्रोग्राम होता था राग रंग जो बाद में टीवी और उन पर भी आप देखते रहे, उसका सारा जो स्क्रिप्ट है वो तसद्दुक साहब खुद लिखा करते थे, मैं उस प्रोग्राम को होस्ट भी करता था और ये तबादुर से बड़ी देर तक ये चलता रहा। तो सो इस हवाले से मेरी एक तो मैं उसके दौरान जो स्क्रिप्ट को जब पढ़ता था तो चीजें अपनी भी हार्ड डिस्क में महफूज कर लेता, वो मेरी जिंदगी में काम आना शुरू हो गया। मेरी पहली मुलाकात आज से कई दहाइयों पहले की बात है, इसको 50 बरस कह रहे हुसैन भाई साहब से रेडियो पाकिस्तान लाहौर में मुलाकात हुई, एक नौजवान पेशेंस लेकिन इस कदर इनोसेंट उनकी नशिस्तों पर, खास मुझे एक ओवरडू तेजियां होती है मैंने कभी जिंदगी में उनके मन में नहीं देखी, सॉफ्ट स्पोकन बैठते थे सामने, ये वो गवैये वो थे जिनको किसी रिकॉर्डिंग और के लिए बैठे हैं स्टेज पे तो आप हिल जाए, ये कैसे मुमकिन है। अब्रॉड में इस सब कॉन्टिनेंट में बल्कि दुनिया में उनका नाम है, दुनिया में नाम है, बहुत बड़े है। उन्होंने 84 घराने के बुजुर्गों ने उनको सुना बैठे के हुसैन बख्श सुनाओ ना यार, ये होती है आपकी वो कंट्रीब्यूशन, ये होती है आपकी डोनेशन। डाडू मैं ठीक कह रहा हूँ ना, मेरी किसी बात से आप डिनाइल करो तो कर देना, क्योंकि तुम भी बड़े मेरे ही अहद के हो, लेकिन अभी अभी मुंडा रखते हैं क्योंकि मैंने अपना इंजीनियर सर पे रखा हुआ है, तो कभी कभी रंग भी लेना है तो सो कह रही हूँ। तो सो फैक्ट्स बिलीवर हो, आज हम उनको याद कर रहे हैं, ऐसे लोगों को हमारे अरबाब इख्तियार को उनको चंदों की शक्ल में नहीं, उनको उनकी जिंदगी में, हम मर जाते हैं तो हम उनके मुजस्मे बनाएंगे और बात बाबा इकोनॉमिकल इंसेंटिव उनको दिया हो जा रहा होता जिनकी वजह से वो मरा है। बेशुमार हमारे ऐसे अहबाब है कि जी को देखो मर गया उसके 26 बच्चे हुए, हुकूमत का फर्ज है कि 4 शादियां ठिकानी उठने तो वो उनकी शादी और उनके बच्चों को भी आर्टिस्ट के कुछ हम अंडियों भी करते हैं। लेकिन हुसैन बख्श गुल्लू एक ऐसा टैलेंट था हमारे मुल्क का जिसकी कमी बड़ी शिद्दत से महसूस होगी, और उस जैसा मुझे भी कि मैं अपनी जिंदगी में कोई दूसरा देखती हूँ, उनके बच्चे हैं बहुत अच्छे बहुत आउटस्टैंडिंग, और इन्होंने अपने फादर को बहुत ही डिवोशन से सारी की सारी उनसे एक तो साहब फैज हासिल किया है, उसके बाद अभी इनका अपना भी बड़ा नाम है, दुनिया जानती है इनको, इनको भी बैठ के अब जब आप सुनेंगे तो इनको आपका वो सारा फ्लैश बैक जो है वो सारी अपने बाबा की उनके बड़ों की जिस सबकी वो रिफ्लेक्शन जो है आपको सामने आपके दिखेगी। अल्लाह भी उनके दर्जात बुलंद करे, जन्नतों में उनका मुकाम दे और हमारे अरबाब इख्तियार को ये मत दे के अपने टैलेंट जो है उनको उनकी जिंदगी में नवाजे।
प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, मुझे 50 बरस के बाद मिला तो मुझे कहते थे लेके थे, मैंने कहा मैं 25 के सेक्टर में काम करता हूँ, आपको नहीं पता जब आप लीडर होने से पहले अपने जागीरों में रहते थे, निकल भी नहीं पहनते तब से अपने घर में मुझे देख रहे, आपको नहीं पता मैंने क्या क्या किया। तो सो ये जो अनड्यू है, मेरी उनसे दरखास्त है कि अब हमें बहुत बेहतरी की नवीद सुनाई दे रही है, अल्लाह करे उसकी फिजिकली इम्प्लीमेंट भी हों, और ये जो कम्युनिटी है, जो आर्टिस्ट होता है वो शनाख्त होता है दुनिया में। नुसरत फतेह अली पाकिस्तान के टैलेंट है, राहत हमारा है, हमारे ये जो जितने बड़े बड़े लेजेंड्स हैं ये पाकिस्तान की शनाख्त है ना, तो उनको उनकी जिंदगी में इंसेंटिव दीजिए, डिग्निटी बकार से डिस्ट्रीब्यूट दीजिए, चंदे ना दीजिए। वो बांटने वाले होते हैं फनकार जो होते हैं, वो लालची कभी भी नहीं होता है, असली फनकार जो होता है। तो सो अल्लाह भी उनके दर्जात बुलंद करे, भूल तो नहीं पाएंगे हमने। एक शेर से अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा कि बिछड़े लोगों की याद आती है, बिछड़े लोगों की याद आती है जब अकेले सफर नहीं होता। मेरी उनसे इस सफर आखिरत में जाने से 5 दिन पहले गई, वो जब भी मिलते थे जब भी डाल के मिलते थे, और वो पहले तो जब जरा तबाह नहीं थी उन्हें तो वो मेरी कमर में कुछ उंगलियों से भी यूज किया करते थे, तो लास्ट मिले तो फिर खैर बरकत की दुआएं एक दूसरे को देते हुए, लेकिन जो आया है उसे अल्टीमेटली जाना है। हम भी चढ़ाएंगे आखिरी शब है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि ये जो बच्चे बैठे हुए हमारे पास अंधेरा नहीं, इंशाल्लाह उजाला है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।